गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून साक्षी। सर आज कुछ प्रैक्टिकल वर्क कराएंगे या थ्योरी हम लोग करेंगे? आज प्रैक्टिकल जो मैंने आप लोगों को ड्राफ्ट करने के लिए दिया था, मुझे चेक करना है, सर तो वो हो गया आप लोगों का सर ड्राफ्ट? एक्चुअली आज लैपटॉप नहीं है मेरे पास। मेरा लैपटॉप मेरे फादर ले गए आज, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। वो आपका ड्राफ्ट करा है आपने? सर मैंने उसमें बेसिक्स जितना भी था आउटलाइन बनाई थी, मैंने लेयर्स क्रिएट किए थे, बट थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी सर। तो सर मेरे पास जब लैपटॉप आ जाएगा तो मैं वो आपसे पूछ लूँगी। तो ऑफसेट में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी और ट्रिम करने में क्या प्रॉब्लम थी? सर, ऑफसेट करने पे आ रहा था तो सर वो सर्कुलर हो जा रहा था स्क्वायर के, मतलब वो जब हम लोग कर रहे थे साइड में, सॉरी फिलेट फिलेट। और सर ट्रिम करने प्रॉब्लम आई थी, वो एरिया कुछ हो नहीं रहा था। जब आप एक पैरेलल दो पैरेलल लाइंस को आप जब और फिलेट करते हो तो वो हमेशा आप यस सर। फिलेट करता है। अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को आप फिलेट करोगे तो ही वो आपको फिलेट करता है। समझ में आ रहा? यस सर। सर तो लाइक अगर उसपे हमें वॉल पे हमें एक करना है, ट्रिम करना है अगर हमें, तो सर वो उस पे पर्टिकुलर एरिया पे कैसे किस तरह से क्लिक करके सर हो नहीं रहा था वो? रुको मैं दिखाता हूँ तुझे। यस सर। साथ शेयर हो रही है आप पे? यस सर। अच्छा, अब अगर जैसे मैंने एल एंटर किया है, ठीक है, ये एक लाइन बनी, एक ये लाइन बनी, यस सर। अब इसको मुझे फिलेट करना है, तो मैंने एफ एंटर किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया और इस लाइन को सिलेक्ट किया, तो देखो ये फिलेट हो गया, ठीक है। ओके सर। ओके सर। अब सपोज एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये तीन लाइंस हैं। अब अगर मैं इन यस सर। दोनों लाइंस को करूंगा ना फिलेट, तो ये सर्कुलर आता है। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, देखो यस सर सर्कुलर आया, यही हो रहा था। यही हो रहा था ना। तो कभी भी फिलेट जो है वो यस सर। पैरेलल लाइंस पे नहीं किया जाता है, क्योंकि फिर वो सर्कुलर आ जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको इस तरीके से फिलेट ओके करना है सर। तो फिर आप जो पैरेलल लाइंस में, वरना वो इंटरसेक्टिंग लाइंस में आप करोगे तो वो फिर गॉट इट आपको सर। इस तरीके यस सर। से, ठीक है। और गॉट बताओ इट क्या सर। प्रॉब्लम थी? यस सर। सर ट्रिम। हाँ, सर ट्रिम करना। ट्रिमिंग। ट्रिम। अच्छा, अब यस सर। ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है, यस सर। यस सर। ठीक है, ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है। अब मुझे इसमें वॉल, ये वॉल क्रिएट करनी है मुझे, ठीक है। अब मैंने टी आर डबल एंटर किया,
दो बार एंटर करना पड़ता है, ठीक है, टी आर डबल एंटर। तो फिर इसको यहां से सिलेक्ट करके ये दोनों ट्रिम हो जाएंगे, इसको यहां से सिलेक्ट करके ये दोनों ट्रिम। फिर आप यहां पर ये अंदर ऐसे इसको ट्रिम कर दीजिए, इसको ट्रिम कर, तो ये पूरा आपकी एक वॉल क्रिएट हो यस गई, ठीक है। टी आर डबल एंटर करके आप इस तरीके से ट्रिम कर सकते हो, और आर सर, डबल सिंगल क्लिक एंटर करना है हम लोग को। लेकिन उसके लिए आपको रेफरेंस देना पड़ता है। जैसे ये है, अब मुझे चाहिए कि ये दो लाइंस खाली इस लाइन तक ही ट्रिम हुए हैं, आगे वाली लाइन पे ना आए, तो टी आर डबल एंटर करने पे हमको तीन चार चीजें करनी पड़ सकती है। इसको पहले ट्रिम करेंगे, इसको पहले ट्रिम करेंगे, फिर हम इसको ट्रिम करेंगे, तब जाके ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन तक आएगी, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, यस सर, टी आर सिंगल एंटर कर लिया, एक ही बार एंटर किया टी आर दबा के, और इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया, तो ये एक हमारी रेफरेंस लाइन हो गई। अब इस लाइन तक ही कोई भी चीज ट्रिम हो सकती है, इस लाइन को सिलेक्ट करके आप एंटर करिए तो ये लाइन लॉक हो गई। अब आप इसको ट्रिम करोगे तो वो इस लाइन तक ट्रिम हो जाएगी, ठीक है। यस सर, साक्षी समझ में आया आपको? यस सर, हेलो यस, हेलो, आवाज आ रही है साक्षी आपको? यस सर, आ रही है। और कोई प्रॉब्लम है आपको साक्षी? किसी और कमांड में प्रॉब्लम है? रोज ड्राफ्टिंग नो के लिए सर, दे रही थी, नो सर, नो सर, आपकी आवाज आ नहीं रही है बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आप इसको कंप्लीट कर लो और फिर आप मुझे उसकी पीडीएफ सेंड करिएगा, तो फिर उसको देखते हैं, फिर उस पर आगे डिस्कशन करते हैं।
सर शैल आई लीव और स्टे?